खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां पर मध्य प्रदेश के सबसे शांत जिला छिंदवाड़ा माना जाता है, परंतु इन दिनों अपराधों में नंबर वन की श्रेणी में आ गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह जिला होने के बाद अब तक 42 हत्याएं एवं इस जिले में हो चुकी है। वहीं एक महिला के साथ साथ उसकी साली की भी हत्या कर पति हुआ फरार। पूर्व में भी इस जिले में डकैती की कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। आखिर क्या हो गया है इस जिले को, देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर नितिन जायसवाल के साथ। सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है चंदन गांव क्षेत्र में। उप सूचना के आधार पर मौके पहुंचा तो वहां पाया कि कालीचरण प्रजापति द्वारा अपनी पत्नी हला की हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ उसने अपनी साली पर भी वार किया, उसको भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उक्त मकान में साली, उसकी बड़ी साली तथा उसका परिवार रहता था। जो प्राथमिक अनुसंधान में पाया गया है कि वो अपनी पत्नी पर शंका करता था, टोक टोक करता था, उसके फ़ोन पर पाबंदियाँ लगाता था, इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसके द्वारा हत्या की गई। आरोपी हत्या करने के बाद मौके से फरार हो चुका है। आरोपी कालीचरण मूलतः टीकमगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। जितने रेलवे स्टेशन आसपास में हैं वहाँ फोर्स लगाया गया है और सर्चिंग की जा रही है, नाकाबंदी की गई है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL अधिकारी पहुँचे, जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया।